नमस्कार, मैं गौरव, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़। स्वागत है आपका न्यूज़ मेकर शो में, जहां आप जानते हैं 5 देश की बड़ी खबरें। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने लेगेसी वेरिफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए हैं, यानी ऐसे अकाउंट जिन्हें ट्विटर की पेड सर्विस लिए बिना ही ब्लू अकाउंट मिला हुआ था, उन अकाउंट से अब ब्लू टिक हटाया जा चुका है। आपको बता दें, इस लिस्ट में बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे दिग्गज शामिल हैं। और आपको बता दें कि क्रिकेट जगत के दिग्गज विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और भारतीय सियासत के बड़े नाम जैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की पूर्व सीएम मायावती के ट्विटर से ब्लू टिक हटा दिया गया है। आपको बता दें कि ऐसे अजीबोगरीब फैसले ट्विटर को एलोन मस्क के खरीदने के बाद हो रहे हैं। आपको दूसरी खबर की ओर ले चलते हैं। दुनिया भर में धर्म को लेकर कट्टरता बढ़ती दिखाई दे रही है। इस बीच एक चौंकाने वाला पैटर्न दिख रहा है, जिसमें अलग अलग जगहों पर रह रहे हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव की बात सामने आई है। हालिया स्टडी में लंदन की हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने दावा किया कि ब्रिटेन में बसे मुस्लिम स्टूडेंट्स हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणियाँ करते हैं और उसकी धार्मिक मान्यताओं को हवा हवाई बताते हुए इस्लाम में कन्वर्ट होने की बात करते हैं। इसके लिए देश के 1000 से ज़्यादा स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया। वहाँ रहने वाले करीब 50 अभिभावकों ने माना कि मजहब के चलते उनके बच्चों को स्कूल में नफरत झेलनी पड़ती है और ये वो स्थान है जहाँ पर शिक्षा सिखाई जाती है और एक दूसरे का सम्मान। यहाँ तक कि कई स्कूलों ने भी अपनी अंदरूनी रिपोर्ट में माना कि उनके कैंपस में बीते 5 सालों में हिंदू विरोधी सोच काफ़ी बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश स्कूल में पढ़ रहे हिंदू छात्रों को जाकिर नायक के वीडियो दिखाने और धर्म परिवर्तन को कहा गया। अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का, जो हिंदू मंदिरों से आ रही है। देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार शिरडी के साई मंदिर में चढ़ावा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आपको बता दें कि मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ करोड़ों रुपये का दान करते हैं, मगर इस बार यह चढ़ावा ट्रस्ट के लिए एक सरदर्दी बन गया है। दरअसल हजारों किलो वजन के सिक्कों से साई मंदिर ट्रस्ट और बैंक दोनों ही परेशान हैं। बैंक प्रशासन का कहना है कि अब ग्राहक सिक्के नहीं लेते, अब इन्हें रखने की जगह भी कहीं नहीं है। बताया जा रहा है कि 3.5 से 4 करोड़ रुपए के सिक्के रखने की जगह ना तो बैंक के पास है और ना ही ट्रस्ट के पास। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर का। उड़ीसा में एक बुजुर्ग महिला को पेंशन लेने के लिए कड़ी धूप में पैदल बैंक तक जाना पड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को महिला का एक वीडियो जारी किया, जो कि अब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। महिला का वीडियो शेयर करते हुए निर्मला सीतारमण ने लिखा कि इंसानियत, बैंक वालों को इंसानियत दिखानी चाहिए। ओडिशा के नवरंगपुर में यह घटना 17 अप्रैल को हुई थी। वीडियो ओडिशा की 70 साल की सूर्या हरिजन का है, जो टूटी कुर्सी के सहारे कड़ी धूप में पैदल चल रही है। उनका बेटा दूसरे राज्य में मजदूरी करता है। वे अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं, जो दूसरों के मवेशियों की देखभाल करता है, और वो झोपड़ी में रहती हैं। उनके पास ना तो ज़मीन है और पेंशन के लिए वो इतनी धूप में दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अब रुक करते हैं पांचवी और सबसे बड़ी खबर का। बिहार के पटना में जुम्मे की अलविदा की नमाज के बाद रोज़ेदारों ने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए। यह मामला पटना स्टेशन के पास स्थित जामा मस्जिद के नज़दीक का बताया जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ रोज़ेदार अलविदा की नमाज़ पढ़ने के लिए पहुँचे थे। इनमें अतीक अहमद के समर्थक भी थे, जिन्होंने ऐलान किया कि अतीक अहमद और अशरफ की शहादत हुई है, दोनों को योजना के तहत मारा गया है। और इसके बाद इन्होंने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए, जो कि एक अपने आप में ही इतना बड़ा गुंडा था। ऐसे में इस तरीके के नारे लगाने जो केवल एक आर्मी ऑफिसर या फिर बहुत अच्छे इंसान के लिए ही सूट करते हैं। तो आपको एक खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहें 27 न्यूज़। आप देख रहे हैं N27 News, पकड़।
हर खबर पर।